नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सब का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। हाई सिक्योरिटी जोन में होगी रांची स्मार्ट सिटी। इन्वेस्टर्स मीट में झारखंड के नगर विकास सचिव ने गिनाई खूबियां। रांची शहर को एजुकेशन हब एवं मेडिकल हब के रूप में विकसित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए रांची स्मार्ट सिटी में शैक्षणिक संस्थान एवं मेडिकल सेक्टर को विकसित करने की प्राथमिकता दी गई है। रांची शैक्षणिक राजधानी के रूप में विकसित हो, इसके लिए रांची स्मार्ट सिटी के अंदर 21% भूमि शैक्षणिक संस्थाओं के लिए रखी गई है। साथ ही अभी हाल में ही लॉन्च की गई नई उद्योग नीति के तहत मेडिकल सेक्टर के निर्माण को ध्यान में रखते हुए आकर्षक नीति बनाई गई है। ये बात झारखंड के नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने कही। वे आज रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा होटल BNR चाणक्य में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट 2021 में बोल रहे थे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले, रांची का त्रिल आश्रम बनेगा पर्यटन और शोध का केंद्र। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी से जुड़े रांची के धुरा में त्रिल स्थित सर्वोदय आश्रम को संरक्षित और विकसित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि त्रिल आश्रम में संचालित छोटा नागपुर खादी ग्रामा उद्योग संस्थान को महात्मा गांधी के सपने के अनुरूप ढाला जाएगा। इसे एक कुटीर उद्योग के क्रियाकलापों का हब बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, आश्रम को संरक्षित कर पर्यटन और शोध के केंद्र के रूप में भी विकसित करने का भी कार्य होगा। इससे रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यादें रांची के त्रिल स्थित सर्वोदय आश्रम से जुड़ी हुई है। इन दोनों महानुभवों के सदप्रयास से 1928 में छोटा नागपुर खादी ग्राम उद्योग की स्थापना इस आश्रम में की गई थी। 24 एकड़ में फैले आश्रम में दोनों महानुभवों के प्रवास की छाप है। स्वतंत्रता आंदोलन की यादें हैं। उस समय यह आश्रम स्वतंत्रता सेनानियों का ठिकाना भी हुआ करता था। इस दृष्टिकोण से इस स्थान का ऐतिहासिक महत्व भी है। बिहार और झारखंड के छात्रों के पास सेना में जाने का मौका, कई पदों पर निकली वैकेंसी, जानिए पूरा डिटेल्स। बिहार झारखंड के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। भारतीय सेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन पुरुष 98 और महिला 29 अप्रैल 2022 कोर्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऐसे में अब उम्मीदवार सेना भर्ती 2021 के लिए आधिकारिक वेबसाइट joiningindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये ऑनलाइन आवेदन 28 सितंबर 2021 से ही शुरू हो गया है। इसके माध्यम से कुल 191 रिक्तियाँ भेजी जाएंगी। उम्मीदवार 22 अक्टूबर 2021 या उससे पहले तक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। कोर्स अप्रैल 2022 में आधिकारिक ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई और तमिलनाडु में शुरू होगा। आप सबको बता दूं कि पुरुषों के लिए 175 पद है, महिला 14 पद है, विधवा के लिए 2 पद है। आप सबको बता दूं कि इसमें वही उम्मीदवार अप्लाई कर सकता है जिन्होंने इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स पास कर लिया है या इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स के फाइनल ईयर में है। कोर्स के अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले उम्मीदवार का अप्रैल 2022 तक सभी सेमेस्टर वर्षों की मार्कशीट के साथ इंजीनियरिंग डिग्री परीक्षा पास सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी होगा। इसके अलावा ट्रेनिंग शुरू होने की तारीख से 12 सप्ताह के भीतर इंजीनियरिंग डिग्री प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए। उम्मीदवारों को मेडिकल एग्जाम और SSB इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। गांधी जयंती पर सरकार ने लॉन्च की सबकी योजना सबका विकास। गांधी जयंती के मौके पर झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने नई स्कीम लॉन्च की है। इस योजना का नाम है सबकी योजना सबका विकास। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने इस योजना को जारी किया है। सबकी योजना सबका विकास के अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना के चयन निर्माण पर खुद निर्णय लेंगे। इस योजना को लागू करने के पीछे सरकार का मकसद पंचायत को सशक्त बनाना है। इस प्रक्रिया के माध्यम से गांव के लोगों को अपने अपने भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के अनुसार आवश्यकताओं को चिन्हित करेंगे। इसके लिए योजना बना सकते हैं। इसके लिए ग्राम बैठक, समूह चर्चा, सर्वेक्षण और ग्राम सभा की प्रक्रिया में भाग लेकर अपने सपनों का पंचायत बनाने की दिशा में ग्रामीण आगे बढ़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि सभी ग्रामीण राज्य के विकास यात्रा में सहभागी और सहयात्री बनने का आह्वान भी किया है। सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी के पहले दिन झारखंड के खिलाड़ियों ने 2 पदक जीते। झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शनिवार से शुरू हुई 40वीं सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप के पहले दिन 2 पदक राज्य के झोली में डाले। 2 दिनों तक चलने वाली इंडियन राउंड में झारखंड की आश्रिता बिरुली ने 30 मीटर में सही निशाना साधते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं बालक वर्ग में गोल्डी मिश्रा ने 30 मीटर में सिल्वर मेडल जीता। रविवार को इंडियन राउंड का आखिरी दिन है और झारखंड के खिलाड़ी इसमें 1-2 पदक और जीत सकते हैं। 10 अक्टूबर को समापन होगा। इससे पहले चैंपियनशिप का उद्घाटन भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर के GRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया।
उद्घाटन समारोह में टूर्नामेंट के प्रायोजक नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन पार्थो मजुमदार, टाटा स्टील कॉरपोरेट अफेयर्स के वीपी चाणक चौधरी, खेल विभाग के प्रमुख फराज हिजरी शामिल हुए। आप सबको बता दो कि 2 से 10 अक्टूबर तक चलने वाली चैंपियनशिप में 40 राज्यों के 950 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 3 राउंड में प्रतियोगिता खेली जाएगी, जिसमें 2-3 अक्टूबर तक इंडियन राउंड, 5-6 अक्टूबर तक कंपाउंड और 8-9 अक्टूबर को रिकर्व में खिलाड़ी दम दिखाएंगे। खबर है झारखंड के गोड्डा से, बलबड्डा को प्रखंड बनाने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना। बलबड्डा को प्रखंड बनाओ सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर बलबड्डा को प्रखंड बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले शनिवार को बलबड्डा मेला मैदान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बलबड्डा क्षेत्र के सैकड़ों लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर की गई। धरना प्रदर्शन के तत्पश्चात मांगों से संबंधित ज्ञापन राज्यपाल के नाम प्रेषित किया गया। इस दौरान धरना को संबोधित करते हुए संघर्ष समिति के अध्यक्ष गोपाल सिंह ने कहा, जनसंख्या और भौगोलिक दृष्टिकोण से क्षेत्र के 12 पंचायतों को मिलाकर बलबड्डा को प्रखंड बनाने सहित सभी 7 सूत्री मांग जनहित में जायज है। इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। कहा कि प्रखंड और अंचल कार्यालय से जुड़े कार्य के लिए यहाँ से लोगों को करीब 20-25 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रखंड कार्यालय मेहरमास जाना पड़ता है, जहां लोगों का पूरा दिन तो समय बर्बाद होता ही है, आर्थिक क्षति भी होती है। 2200 सहायक पुलिसकर्मियों ने बदला सीएम का कार्यक्रम स्थल। मोरहाबादी मैदान की जगह त्रिल सर्वोदय आश्रम में आयोजित हुई गांधी जयंती कार्यक्रम छावनी में तब्दील हुआ ग्राउंड। रांची के मोरहाबादी मैदान में पिछले एक सप्ताह से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत 2200 सहायक पुलिसकर्मियों के कारण इस बार गांधी जयंती का कार्यक्रम स्थल बदल गया। पिछले कुछ वर्षों से सीएम और राज्यपाल लगातार मोरहाबादी मैदान स्थित गांधी प्रतिमा पर मूल्यार्पण करते थे। इस बार यह कार्यक्रम धुरवा स्थित छोटा नागपुर खादी ग्राम उद्योग संस्थान में आयोजित किया गया। इससे पहले किसी भी आशंका को देखते हुए शनिवार सुबह से ही मोरहाबादी मैदान को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पहुँचने वाले सभी रास्ते में ड्रॉप्ड गेट बनाकर वहाँ जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इतना ही नहीं, गांधी प्रतिमा के साइड वाले पूरे हिस्से को टीन के चदर से कवर भी कर दिया गया है। आप सबको बता दूं कि पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, खूंटी, सिमडेगा, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, लोहरदगा सहित 12 जिलों के 2269 सहायक पुलिसकर्मियों की दलील है कि 2017 में जिलावार लिखित परीक्षा और फिजिकल मेडिकल पास करने के बाद उनकी बहाली हुई थी। उस समय यह कहा गया था कि 3 साल की सेवा के बाद जिला पुलिस में बहाली होगी। सरकार बदलते ही इनका संविदा रद्द कर दिया गया। प्रदर्शन के बाद 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। अब इनका आरोप है कि सरकार के साथ वादा खिलाफी की है। गांधी अध्ययन केंद्र की शुरुआत करेगा झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में जल्द ही महात्मा गांधी अध्ययन केंद्र की शुरुआत की जाएगी, ताकि गांधी जी के विचारों पर आधारित शैक्षणिक विमर्श संभव हो सके, उनकी शोध परक विचारों से सभी अवगत हो सके। इसके तहत विश्वविद्यालय ऐसे विद्वानों को विमर्श के लिए बुलाया जाएगा जो गांधी के सपनों को साकार करने में मील का पत्थर साबित हो सके। यह बातें विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर क्षतिभूषण दास ने महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर कही। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। कुलपति ने कहा कि महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के विचार प्रासंगिक है। गांधी जी के सर्वोदय का विचार तथा लाल बहादुर शास्त्री का जय जवान और जय किसान का उद्घोषण भारत की आत्मनिर्भरता का द्योतक है। एक समय था जब भारत खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर नहीं था, लेकिन आज भारत खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर हो चुका है। इसका श्रेय लाल बहादुर शास्त्री जी को ही जाता है। झारखंड में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए उठाया जा रहा है कदम। मुख्यमंत्री ने कहा कि चतरा समेत कई जिलों में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से अफीम की खेती होती है, इसे रोकने की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। अफीम की बजाय औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो भी लोग अफीम की खेती से जुड़े होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अफीम की खेती को रोकने की दिशा में चतरा जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए जा रहे अभियान के पोस्टर की लॉन्चिंग की। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार की घोषणा, सोलर पावर प्लांट लगाने पर देगी सब्सिडी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में सोलर पावर प्लांट लगाने पर सब्सिडी देने के लिए एक नई योजना लॉन्च करने की घोषणा की। यह घोषणा उन्होंने इटखोरी में नवनिर्मित ग्रिड सब स्टेशन एवं चतरा लातेहार ट्रांसमिशन लाइन के शुभारंभ के दौरान किया। इससे चतरा जिले के बड़े हिस्से को निर्बाध और गुणवत्ता युक्त बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा है कि वे अनाज और सब्जी की खेती की तरह बिजली की भी खेती करें, अपनी बंजर भूमि और घर की छत का इस्तेमाल सोलर पावर प्लांट लगाने में करें।
इससे ना सिर्फ अपने लिए बिजली का उत्पादन कर सकेंगे बल्कि ज़्यादा बिजली उत्पादन होने पर सरकार उचित दाम पर खरीदेगी भी। इससे उनकी आमदनी में इजाफा होगा और वे राज्य के विकास में भागीदारी बनेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भविष्य के लिए राज्य को मजबूत बना रही है। चतरा, गढ़वाल, लातेहार जैसे पिछड़े जिलों के लिए विशेष योजना बनाने का काम कर रही है। जहां बाईपास की जरूरत है वहां इसकी योजना मंजूर की जाएगी। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए शहरों के लिए बाईपास की योजना बनाई जा रही है। यहां तक कि चतरा शहर के लिए बाईपास की स्वीकृति दे दी गई है। इसकी नींव जनवरी में रखी जाएगी। उन्होंने यहाँ एक डेयरी प्लांट स्थापित करने की भी बात कही है। जदयू का कार्यकर्ता सम्मेलन आज हजारीबाग में। जदयू का उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल कार्यकर्ता सम्मेलन हजारीबाग टाउन हॉल में 3 अक्टूबर को होगा, जिसमें हजारीबाग, धनबाद, चतरा, रामगढ़, कोडरमा के जिलाध्यक्ष समेत पार्टी के नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे। यह जानकारी देते हुए मुख्यालय प्रभारी संजय सहाय ने बताया, कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, राष्ट्रीय महासचिव सह झारखंड प्रभारी प्रवीण सिंह, राष्ट्रीय महासचिव पूर्व प्रदेश प्रभारी राम सेवक सिंह कुशवाहा, प्रदेश जदयू सह प्रभारी अरुण कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष गुलाब महतो शामिल होंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो करेंगे। सभी जिला के प्रदेश पदाधिकारी एवं सक्रिय कार्यकर्ता शामिल होंगे। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।